নমস্কার বন্ধুরা, গৌতমের সাথে চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে খুব খুশির দিন এবং আমার বড় সৌভাগ্যের দিন। হ্যাঁ বন্ধুরা, মিশন রানিগঞ্জ যে ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে আগামী অক্টোবর মাসে, আমরা সেই যে মিশন রানিগঞ্জের যে ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে সেই ছবির যিনি গল্পকার তিনি আমাদের মাঝে রয়েছেন, এবং এই যে সুবর্ণ সুযোগ আমাদের করিয়ে দিয়েছেন তিনি হলেন আমাদের চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি অরুণজি। এবং এই যে দেখতেই পাচ্ছেন সেই স্বনামধন্য মানুষ, 2016 সালে তার ছবি রুস্তম হিন্দি মুভি তে উনি যিনি স্টোরি করে লিখেছিলেন এবং সেই ছবিতে অক্ষয় কুমার পেয়েছিলেন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। এবং তারপর থেকে তো উনি 2019 সালে টনি বলে যে ছবিটি ইউটিউবে উনি তৈরি করেছিলেন, তো সবাই আমরা তাকে জানি তিনি হলেন বিপুল কে রাওয়াল জি। তো স্বাগত জানাই বিপুল স্যারকে গৌতমের সাথে ये চ্যানেল মে আপকো স্বাগত করতা হুঁ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপকো ভি স্বাগত করতা হুঁ। আজকে বন্ধুরা আমরা এই মিশন রানিগঞ্জ সম্পর্কে একটুখানি আড্ডা দেব, তাই চলে এসেছি এই আজকে হোটেলে এক্সক্লুসিভ ভিডিও বরাবর আপনাদের দিয়ে থাকি। আজকেও সেই এক্সক্লুসিভ ভিডিও আমরা সরাসরি এখন বিপুলজির সঙ্গে কথা বলবো, মিশন রানিগঞ্জ সম্পর্কে, ওনার সম্পর্কে যে জার্নিটা সে ব্যাপারে কথা বলবো। আচ্ছা, ইয়ে যো মিশন যো রানিগঞ্জ 1989 মে যো হচ্ছা হুয়া থা, তো উসমে উসকো লেকার যো ফিল্ম বান রহা হ্যায়, তো আপকা যো কম সে কম 6-7 সাল সে তো আপকা কাম জারি হ্যায়, আর ইসকা যো উপর বহুত খটলি কা বাত হ্যায়, আর আপকা ইয়ে জার্নি কে বারে মে থোড়া আগর বলিয়ে তো। देखिए, पहली बार ये कहानी हमने सुनी मार्च 2017 में। हम यहाँ आए गिल साहब के साथ, हमने पूरा रिसर्च किया और तब वो फिल्म कोई और करने वाले थे, अजय देवगन करने वाले थे, और नवंबर में शूटिंग था, नवंबर 2017 में, कोई कारण सर हो नहीं पाया। और उसके बाद फिर हम स्ट्रगल चालू हुआ हमारे डायरेक्टर साहब का, हम कौन करेगा क्या, क्योंकि बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, तो बहुत सारे इसमें मूविंग पार्ट्स हिसाब किताब होता है। फाइनली आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 6-6.5 ईयर्स अक्षय जी ऑन बोर्ड आए और फिल्म बन गई। আমরা বিপুল জিকে আরেকটি প্রশ্ন করছি এই মুহূর্তে, বিপুল জিকে আমরা পেয়েছি, খুব ভালো মুডে রয়েছেন। তো বিপুল জি, আপকা টিনু সুরেশ দেশাইকে সাথ তো বহুত আপকা ইসকে পহলে ভি মুভি হিট কিয়া হ্যায়, অক্ষয় কুমার কো ভি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ভি মিলা আপকা ফিল্ম মে, আর ইয়ে ভি ফিল্ম মে দেখিয়ে ওই বাত হ্যায়, ডিরেক্টর ভি টিনু সুরেশ দেশাই, অ্যাক্টিং ভি কর রহে অক্ষয় কুমার জি, তো ক্যা ই ফিল্ম মে কে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ই ফিল্ম মিল জায়েগা? देखिए, हम जब लिखते हैं तो हम ऐसी उम्मीद कभी नहीं करते, पर मिल जाए तो अच्छा ही है, हमने तो हमारी तरफ से मेहनत की है और उम्मीद मिल जाए तो अच्छा ही है, नेशनल अवार्ड मिल जाए तो अच्छा ही है हमें तो, है ना। बट लेट्स सी, टाइम बताएगा है ना फिल्म कैसी बनी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस फिल्म से, फॉरगेट नेशनल अवार्ड, पर मुझे इतना तो है कि पिक्चर हिट होने वाली है, क्योंकि हमने फिल्म देखी है कैसी बनी है, हमें पता है हमने क्या मेहनत हुई है और प्रोडक्ट भी हमने देखा है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म, मैं बहुत कॉन्फिडेंट। अच्छा सर, एक संतान को अगर बड़ा करने के लिए जो काम करना पड़ता है, ये फिल्म भी ऐसा ही है, संतान का जैसा है, तो इसमें तो बहुत ही एक बीच बीच में थोड़ा रुक भी जाता है, तो थोड़ा इसका फिल्म के बारे में थोड़ा अगर बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था कि क्या क्या इसमें, ऐसे तो अभी रिलीज हो रहा है मिशन रानीगंज, किंतु मिशन रानीगंज करने के माना बहुत दिक्कत भी तो है ना। हर फिल्म में दिक्कत होती है, एक कहावत है हमारी इंडस्ट्री में कि हर स्क्रिप्ट की एक तकदीर होती है, हर फिल्म की एक तकदीर होती है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में तो ये भी कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बन जाता है ना, वो उसको थोड़ा वो मानते हैं कि यार बहुत जल्दी आसानी से बन गया, जब तक तकलीफ फिर ना आए। अब इतनी तकलीफ आई, एक बात यहाँ मैं ये कहूँगा कि चलो आई एम द स्क्रीन प्ले राइटर, मेरा क्रेडिट स्क्रीन प्ले राइटर है, पर इसके स्क्रिप्टिंग में हमारे डायरेक्टर साहब टीनू देसाई और दीपक किंगरानी जो मेरे दोस्त हैं जिसके डायलॉग्स का क्रेडिट है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। सो आई वुड लाइक टू क्रेडिट देम ऑल्सो फॉर द एक्सेलेंट स्क्रिप्ट। उसके अलावा बाकी सारे एक्टर, अक्षय जी ने तो बढ़िया एक्टिंग की है, परिणीति जी, बाकी बड़े बड़े दिग्गज एक्टर है, अपना रवि किशन जी है, जमील खान है, सुधीर पांडे जी है, वरुण बदोला है, और अक्षय वर्मा है, ये अपना ओमकार नास मणिपुरी, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, सो इट इज़ अ वेरी, सबने सबने जान डाल दी है इसमें, सो एवरीबडी रियलाइज कि यार कुछ अच्छा हाथ में आया है,
एवरीबडी गिव देयर बेस्ट एंड बस वी कैन ओनली होप कि भाई चलो क्या अब फाइनल प्रोडक्ट तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, हमारी पब्लिक डिसाइड करेगी क्या होता है। हमने हमारी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी, दैट आई कैन गारंटी यू, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, हमने हमारी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। तो बंधुरा सुनछेन, और एक बात है, आपका भिकी की टैक्सी, वो मुंबई का जो टैक्सी ड्राइवर, उसके लिए आप टीवी सीरियल बनाया था, तो आपका सोच एकदम पूरा अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये कैसे कर लेते? नहीं खैर सी है, अगर क्रिएटिव फील्ड में, सोच में, क्रिएटिव फील्ड में हम काम करने आए तो अलग ही करना जरूरी है ना, तो ही मजा आएगा। मेरी पहली फिल्म ले लो इकबाल, अगर आपने देखी हो तो, 17 प्रोड्यूसर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बोला कह रहे ऐसा क्या इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना गाने हैं ना ये है ना वो है ना ऑल दैट, पर जब बनी तो सस्ते में बनी और अच्छा, इट वॉज, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था बाय द वे, उसको आई थिंक नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट नेशनल अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन फिल्म ऐसा कुछ, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला है। सो बत्ती कुल मीटर चालू का अगर कॉन्सेप्ट ले लो तो लाइट के बिल को लेके है, हर इंसान परेशान है बिजली के बिल से, उसका ओरिजिनल स्टोरी ऐसा था कि एक आदमी का लाइट का बिल 300 रुपया ज्यादा आता है और वो ऐसा लड़ता है कि 30,000 करोड़ की कंपनी बंद हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली द डायरेक्टर एंड द एक्टर ऑफ द फिल्म शाहिद कपूर और डायरेक्टर श्री नारायण सिंह, वो लोग मेरा जो विजन था ना उसको प्रॉपरली वो निभा नहीं पाए एंड इट वॉज देयर मिस्टेक, स्पेशली डायरेक्टर्स मिस्टेक, और इसलिए पिक्चर फ्लॉप हो गई। रुस्तम ऑफकोर्स, रुस्तम भी हमको 6-7 साल लगे बनाने में, तब हमारी दोस्ती थी टीनू भाई से हुई, टीनू भाई की मेहनत थी, नीरज पांडे रुस्तम के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत, ही सपोर्टेड अस ना किसी उस जमाने के लिए भी, रुस्तम वॉज अ बिग फिल्म, बड़े एक्टर थे, अक्षय कुमार तभी भी सुपरस्टार थे, तो बनाना माउंट करना टीनू भाई की ये पहली फिल्म थी बड़ी, तो भरोसा करना बहुत, जो प्रोड्यूसर्स होता है ना, अब जैसे वाशु जी, वाशु बगनानी जी, ये कितने महंगी फिल्म है, मतलब करोड़, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में जा रही है, यू नो, तो फॉर अ प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क लेना तो खाने के खेल नहीं है ना, हम तो चलो लिख देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फिल्म बने, पर इनके लिए सोचिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कैसे क्या किया होगा, यू नो, तो इट इज अ वेरी बिग टीम, तो सबका साथ सहयोग होता है और सारे 9 ग्रह एक अलाइनमेंट में आते हैं तब एक पिक्चर हिट हो जाती है, उम्मीद करते हैं अभी आ गए होंगे सारे ग्रह अलाइनमेंट में। ऐसा भी डायरेक्टर है जो फिल्म बना के ब्लिम सबको दिखा के बोलता के पसंद हो तो 2019 में आपको टॉनी फिल्म, तो उसके बारे में आपका ये सोच कैसा है? तो क्या होता था ना, मैं एज अ राइटर मैं सबको ज्ञान देता था, यार यार ये फिल्म बनाने के लिए बड़े बड़े एक्टर नहीं चाहिए, बड़ा बजट नहीं चाहिए, खाली हमें अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छे आर्टिस्ट चाहिए और यही चाहिए है ना, तो मैंने कहा मैं सबको ज्ञान देता हूँ, व्हाई डोंट, और अच्छे टेक्नीशियन चाहिए, ये 3 चीज चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे टेक्नीशियन, मैं सबको ही ज्ञान देता था। फिर मैंने कहा मैं सबको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं करके दिखाऊं, तो मैंने 35 लाख का एक बजट रखा, मैंने कहा एक फुल फ्रेज हिंदी फीचर फिल्म बनाएंगे 35 लाख में, थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ और 35 के 50 चले गए वो अलग बात है, बट हमने पूरा, मैंने 24 लोगों ने पहली बार कैमरा फेस किया, हालांकि उसमें काफी सीन, जैसे यशोधन राणा जो थे उसमें टोनी का जिसने किरदार किया, वो एक जमाने में शंकर भगवान बने थे ओम नमः शिवाय सीरियल में जो पहली वाली थी, धीरज, अक्षय वर्मा क्राइम पेट्रोल में काम करते थे, मनोज चंदीला वो अपना काफी फिल्म सीरियल में काम कर चुके हैं, उसमें जो लड़की थी जिनल बेलानी वो गुजराती पिक्चर की हीरोइन है, तो ऐसा करके हमने मंजे हुए एक्टर्स थे, दे माइट नॉट हैव गॉट दैट फेम, वो उस टाइप का उनका वो क्या फेम नहीं होगा, और दे वर ऑल वेरी गुड एक्टर्स, चुन चुन के लिए हमने फिल्म बनाई, और मैंने सोचा कि देखो वाई शुड पब्लिक चलो थिएटर में क्यों जाए, तो मैंने कहा कुछ उल्टा करते हैं कि भाई फिल्म, और हमें हमारे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस था, अच्छा दूसरा बिकॉज हमने 40-50 लाख में फिल्म बनाई थी, जो आज की तारीख में स्मॉल बजट फिल्म 4-5 करोड़ की होती है, तो हमने तो 50 लाख में फिल्म बना दी, हमने अपने पैसे यूज किए थे, तो हमें वो डूबने का कोई किसी और का वो ना ब्याज देना इंटरेस्ट देना वो कोई प्रेशर था नहीं, तो और ये हमने तो ये सोचा ही था कि चलो जो आएगा मुकद्दर है, तो हमने ये इस ये बोल के रिलीज की कि पहले फिल्म देखो पसंद आए तो जो मर्जी हो हमको डोनेट करो। कल परसों भी किसी ने 1000 रुपए भेजे, सोचो फिल्म रिलीज होने के 2.5 साल बाद भी हमारी फिल्म, आज मेरी फिल्म का जो IMDb रेटिंग इतना हाई था, पहले तो आया था 8.5 था, अभी 6.97 हो गया, कंसिडर्ड वेरी हाई IMDb रेटिंग, सो 2 चैनल पे चल रही है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी है एंड चल रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, वेरी पॉजिटिव, 90% पॉजिटिव कमेंट्स है उसकी, सो मैं तो बहुत खुश हूँ, और ये मेरी पहली फिल्म थी, काफी मिस्टेक्स की हमने, कई जगह प्रोडक्शन वैल्यूज वो दिखती है कि, और मेरा नो बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, तो गलतियां मुझे भी अब दिख रही है, पर पहली फिल्म है, आई एम नॉट गिविंग एन एक्सक्यूज, पर मेरा हाल, आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैंने ये बना ली तो मैं अच्छी फिल्म और आगे बना ही लूंगा मैं, सो दैट वॉज द स्टोरी बिहाइंड इट। अच्छा आप कौन परिचय में अच्छे बने, आप एक तो स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी मेकर, फिल्म मेकर,
और भी प्रोड्यूसर, लेकिन आप कौन परिचय में गर्व बोध करते? गर्व तो मैं कभी नहीं करता जो है, बट आई आइडेंटिफाई माय सेल्फ एज अ स्क्रिप्ट राइटर फर्स्ट, क्योंकि मेरी रोजी रोटी तो स्क्रिप्टिंग, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो मैं एक ही फिल्म में हूँ, स्क्रिप्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर विच इज माय कोर, मेरा कॉम्पिटेंसी जो है वो लेखक का। स्क्रिप्ट राइटिंग में भी आई एम अ स्क्रीन प्ले राइटर। स्क्रीन प्ले क्या होता है, पट कथा, देखिए स्टोरी तो आ गई है अपने पास, चार चार एक पेज की, जो पे स्क्रीन प्ले में ढालना है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्राफ्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पकड़ आ गई है, और आई ऑफकोर्स रोज नया सीखते हैं हम लोग, बट एज अ स्क्रीन प्ले राइटर मेरी पकड़ ठीक ठाक है। आपका पहला फिल्म जो मैंने रुस्तम जो फिल्म था उसमें तो थ्रिलर मूवी था, अक्षय कुमार का जो आपका एक्शन था, लेकिन मिशन रानीगंज में अक्षय कुमार का एक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं बोलो आपको उसके लिए 6 अक्टूबर को आप देख के बताना क्या था। आप उन 7 अक्टूबर को फिर से एक इंटरव्यू करेंगे, तब बात करेंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। कल परसों ट्रेलर आने वाले, वो देख के आपको आइडिया लग जाए तो बात कर लेना आप, है ना। तो बंधुरा এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য তৈরি করছি এবং প্রমোশ সাসপেন্স এই মিশন রানিগঞ্জ আমাদের কোন দিকে নিয়ে যায় এবং এই ছবি আশা করছি ছবিটি সুপার ডুপার হিট হবে, কি বলছেন আপনারা বলুন। আর অতি অবশ্যই কিন্তু দেখতে হবে 6 অক্টোবর মিশন রানিগঞ্জ। তো আরেকবার আপনি রানিগঞ্জে এবং টোটাল অল ওভার ওয়ার্ল্ডও বলতে পারি কি মেসেজ দিতে চান মিশন রানিগঞ্জকে? वही है कि भाई देखिए फिल्म देखिए, हमने तो बड़ी मेहनत से बनाई है और उम्मीद करते हैं हम आपको भी पसंद आएगी। पसंद आया तो प्लीज़ बता देना कितनी पसंद आई, ना पसंद आया तो भी बता देना क्या पसंद नहीं आया हमारी फिल्म में, हम अगली फिल्म में सुधारने की कोशिश करेंगे हमने अपने अपने आप को, अपने क्राफ्ट को। उससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, एंड आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत है, थैंक यू। जय अरुण जी, आप भी थोड़ा बोलिए कि इसके मिशन रानीगंज के बारे में, तो आप भी बहुत काम किया है, थोड़ा गिल सर के साथ भी आपका साथ भेंट हुआ था, थोड़ा अगर बोलिए। देखिए मिशन रानीगंज तो थोड़े दिन पहले ही इन्होंने नाम रखा है, इसके पहले इस पिक्चर का नाम कैप्सूल गिल रखा गया था, और उस समय सही में मैं फ्रेंकली स्पीकिंग तो हम लोग का इंटरेस्ट एकदम पिक्चर में ज़्यादा नहीं था, इतना था कि हमारे एरिया के लिए पिक्चर बन रहा है, हमारे एरिया की स्टोरी के ऊपर है, तो हम लोग का झुकाव था। किंतु जिस दिन से इस पिक्चर का नाम मिशन रानीगंज कर दिया गया है, हम रानीगंज वासियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, हम चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होना चाहिए, और हमारे जो भी टीम इसके पीछे लगी हुई है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर विपुल कुमार रावल जिन्होंने इसकी स्टोरी को लिखा है, आज हमारे एक छोटे से इनविटेशन पे ये रानीगंज वासियों के बीच आके पहुंचे, ये दर्शाता कि इनको रानीगंज वासियों से कितना प्यार है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद ये रानीगंज में आज हम लोग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बैठे हैं, मिशन रानीगंज की स्टोरी को शेयर करने के लिए बैठे हैं, ये हम रानीगंज वासियों के लिए बड़ी बात है। और जैसा कि आपने कहा कि मैं मिशन रानीगंज से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, देखिए फ्रैंकली गिल साहब से एक बार मुलाकात हुई थी 5 साल पहले जब वो आए थे, तब उन्होंने जो भी लोग इस स्टोरी से जुड़े हुए थे उन सब से उन्होंने मुलाकात की थी, और इस स्टोरी को डीप तक जाने में रावल साहब भी उनके साथ थे उस विजिट में, दिनू देसाई जी भी साथ में थे, ये लोग जितने भी लोग रानीगंज के हैं सबसे मिले थे, सबके पास गए, और सबसे जो जो पॉइंट इनको मिला है वो सब पॉइंट को जोड़ के इन्होंने बनाया है मिशन रानीगंज। मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार ये पिक्चर आप सब मिशन रानीगंज देखें, देखने के बाद जो प्रतिक्रिया आप लोगों की आएगी उसी पे डिपेंड करता है रावल साहब की मेहनत का, कि रावल साहब टीनू देसाई जी ने और ऑफकोर्स अक्षय जी ने और परिणीति चोपड़ा मैम ने जो काम किया है, और अबव ऑल हैट्स ऑफ टू वासु बगनानी जी जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, और ये जो 1989 में जो घटना घटी थी और जो बच्चे भूल गए थे इस हिस्ट्री के बारे में उसको सबके सामने लाया और हमारे रानीगंज टाउन का नाम पूरा विश्व में विख्यात किया। तो
তো সত্যিকারের বন্ধুরা, বিশ্বের দরবারে রানীগঞ্জের নাম কিন্তু কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে বুঝতে পারছে। আরেকটি সুখবর জানাই, আমার খুব ভালো লাগলো যে আমি যখন এই হোটেলে ঢোকার মুখেই উনি আমাকে চিনতে পেরে গেছেন। যেহেতু আমি প্রথম ব্রেকিং নিউজটা দিই যে রানীগঞ্জে শুটিং হতে চলেছে মিশন রানীগঞ্জ, তখন অবশ্য ছবির নাম অন্য ছিল। তো বন্ধুরা, এটা খুবই গর্বের ব্যাপার যখন উনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। শুটিং কে দৌরান কে জো ব্লগস আপকে মানে দেখে হুয়ে আই হ্যাভ সিন, আমার আচ্ছা লাগা। এন্ড আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, অর উম্মীদ করতা হুম রিলিজ কে বাদ ভি আপ মেরা ইন্টারভিউ লেঙ্গে, তো আই উড লাভ টু কাম অন ইয়োর চ্যানেল, বাত করেঙ্গে। অর দোস্তো, গৌতম এর সাথে চ্যানেল হে জো রানীগঞ্জ কে ইন অরাউন্ড নিউজ, ফুড, ব্লগিং ওগেরা করতে হ্যায়। এন্ড প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব দ্যাট চ্যানেল, মানে তো কর লিয়া হ্যায়। এন্ড আই হোপ ইউ উইল লাইক দ্য কন্টেন্ট, জেসা মুঝে আচ্ছা লাগতা হ্যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন। আর অতি অবশ্যই 6 অক্টোবর আমাদের যেতে হবে মিশন রানীগঞ্জ, দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে। আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।